हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट की जो कि LIC ने किया है 12 मार्च 2021 को। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि मैच्योरिटी और SB यानी जो सर्वाइवल बेनिफिट जिसे मनी बैक भी कहा जाता है उसके लिए हमेशा मदर ब्रांच में या होम ब्रांच में ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद ही आपको आपका जो क्लेम होता है मैच्योरिटी का और मनी बैक का वो मिल पाता था। लेकिन अब LIC ने पॉलिसी होल्डर की इस समस्या को दूर किया है और अब आप किसी भी ब्रांच में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपनी मनी बैक और मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो दोस्तों पहले अक्सर ये हुआ करता था कि अगर आपकी कोई मनी बैक हो या फिर मैच्योरिटी का कोई क्लेम हो तो उसके लिए आपको अपनी उसी ब्रांच में जाना पड़ता था जिस ब्रांच की ये पॉलिसी होती थी। तो दोस्तों ऐसी कई सारी समस्याएं लोगों के साथ हो रही थी कि पॉलिसी लेते समय तो वो दिल्ली में थे लेकिन अपनी जॉब या और किसी कारण से वो या तो अपने शहर गांव चले गए या फिर किसी और शहर में शिफ्ट हो गए इनकम करने के लिए या अपनी नौकरी के चलते। तो उनके साथ ये समस्याएं आ रही थी कि अगर 5 साल बाद कोई मनी बैक आना है या फिर 20 साल बाद या 25 साल बाद कोई पॉलिसी मैच्योर होनी है तो उस समय कोई ये जरूरी नहीं है कि वो शख्स उसी शहर में रहे जिस शहर में उसने पॉलिसी ली है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए LIC ने एक ये नया फैसला लिया है और कस्टमर की सहूलियत के लिए एक ये फैसला ये निर्णय उन्होंने 12 मार्च 2021 को ये किया है कि अब मनी बैक पॉलिसी का कोई भी क्लेम होगा या पॉलिसी मैच्योर होने का तो वो आप किसी भी ब्रांच में अपने नियर जाके जमा कर सकते हैं। और एक चीज और उन्होंने ये भी कही है कि अगर पॉलिसी बॉन्ड आपका कहीं और है और आप कहीं और हैं तो आप दो ब्रांचों में ये सारी चीजें जमा करा सकते हैं। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई अगर शख्स बाहर कमा रहा है तो वो बॉन्ड अपने घर पर रखता है और खुद कहीं और होता है, तो अगर बॉन्ड और ID वगैरह कहीं और जमा हो जाती हैं किसी और ब्रांच में और वो खुद फॉर्म साइन करके कहीं और दूसरी ब्रांच में जमा कर देते हैं तो दोनों टैली होकर के सर्विसिंग ब्रांच जो है वो आपकी मैच्योरिटी और SB को आपके अकाउंट तक पहुंचा देती है। तो ये सुविधा भी LIC ने दी है। तो दोस्तों ये एक अच्छा फैसला है LIC का पॉलिसी होल्डर के लिए। तो दोस्तों अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो दोस्तों दो तरीके से हो सकता है। एक तो एक आपको अपने मोबाइल में ऐप डालना है जिसको LIC का डॉक ऐप कह सकते हैं या एप्लीकेशन कह सकते हैं, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा और आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के भी इस प्रोसीजर को पूरा कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों वो लगेंगे पॉलिसी बॉन्ड का फ्रंट और बैक साइड जो कि एंडोर्समेंट होता है और फ्रंट में आपकी डिटेल होती है, दूसरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक, और अगर मैच्योरिटी है दोस्तों तो उसमें एक 35-10 फॉर्म आता है जिसको कहते हैं असाइन नो असाइन डिक्लेरेशन। तो अक्सर होता यह है कि कस्टमर कभी कभी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी बैंक या और कोई संस्था से अपने बॉन्ड के अगेंस्ट पैसा लेता है तो उसको कहते हैं असाइन करना और उसी की डिक्लेरेशन 35-10 में दी जाती है फॉर्म नंबर में कि हमने कोई भी असाइन नहीं करा रखा। तो एक ये फॉर्म जरूरी है मैच्योरिटी के लिए। SB के लिए आपको सिंपल डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करना होगा फ्रंट और बैक और पॉलिसी का और आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, ये आप लोगों को जमा करके अपनी नियरेस्ट ब्रांच में दिखा करके वो स्कैन करके वो अपलोड कर देते हैं और आपकी सर्विसिंग ब्रांच तक वो चीजें पहुंच जाती हैं। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा कुछ दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है LIC ने और पॉलिसी होल्डर की सहूलियत को ध्यान में रख करके ये लिया गया है कि पॉलिसी होल्डर्स को कोई ज्यादा परेशानी ना हो इसके चलते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।